हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पास्ट टेंस का अंतिम भाग है क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस की घटनाएं निश्चित नहीं होती हैं। एक्टिव वॉइस में बनाएंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेड, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फिर इसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेड पहले आ जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इंट्रो निगेटिव बनाएंगे तो हेड सब्जेक्ट नॉट, और जब क्वेश्चन वाला बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट, और जब इसका निगेटिव भी बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। ठीक है, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, फिर इसके बाद हेड लगेगा और इसके बाद बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद बाय, अगर अदर वर्ड रहेगा तो लगेगा नहीं कोई बात नहीं, प्लस सब्जेक्ट और प्लस इसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस। निगेटिव बनाएंगे तो हेड नॉट बीन हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेड पहले आएगा, हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन। ठीक है ना, और अगर क्वेश्चन वाला बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड फिर हेड फिर ऑब्जेक्ट फिर बीन, और निगेटिव बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड हेड ऑब्जेक्ट नॉट बीन। ठीक है, जैसे कि मान लो लिखा है कि वह एक गाना गा चुकी थी, इसकी पहचान क्या होगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो वह एक गाना गा चुकी थी, क्या लिखेंगे, सी हैड संग अ सॉन्ग। वैसे बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय। ठीक है, दूसरा बनाते हैं कि अतिथि के आने के पहले मैं खाना खा चुका था। ठीक है ना, हमने पहले बताया था कि पहले अगर आएगा तो उसके बाद वाली इंग्लिश पहले लिखेंगे, क्या लिखा है, अतिथि के आने के पहले मैं खाना खा चुका था, यानी पहले के बाद वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई हैड टेकन फूड, फिर इसके बाद पहले और इसके बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडिपेंडेंट में जाएगा, बिफोर द गेस्ट केम। ठीक है, आई हैव टेकन फूड बिफोर द गेस्ट केम, तो पैसिव जब बनाएंगे तो यहां से लेंगे तो फूड हैड बीन टेकन बाय मी। आगे वाले में कोई चेंज नो चेंज कोई चेंज नहीं होगा, बिफोर द गेस्ट केम। ठीक है, तीसरा बनाते हैं, गाय ने दूध नहीं दिया था, द काउ हैड नॉट गिवन मिल्क, क्या बनेगा, मिल्क हैड नॉट बीन गिवन बाय द काउ। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो जैसे हैड यू
सेंट द बुक्स। देखो हैड लगा कि ऑब्जेक्ट लगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अब इसमें बनाएंगे पहले ऑब्जेक्ट, पहले हैड लगेगा फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, हैड द बुक्स, फिर इसके बाद बीन, हैड द बुक्स बीन सेंट बाय यू, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा, रेस्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, चौथा का पांचवा बनाते हैं, हैड द चाइल्ड नॉट ब्रोकन द टॉय। क्या बनेगा? सबसे पहले हम हैड लिखेंगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हैड द टॉय, फिर इसके बाद नॉट, फिर इसके बाद बीन, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद वाई, और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है यानी सब्जेक्ट चार है। ठीक है, शर्मा बनाते हैं, उसने अंगूठी कहाँ रखी थी, तो वेयर हैड ही केप्ट द रिंग। क्या बनेगा? पहले वेयर लगाएंगे, फिर इसके बाद हैड, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट द रिंग, फिर इसके बाद बीन, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद बाई, और ही है तो ही का क्या हो जाएगा ही। ठीक है, अगला बनाते हैं, अगले में क्या है कि दरवाजा किसने बंद किया, दरवाजा किसने बंद किया, वो है शट द गेट, वो है शट द गेट। क्या लिखेंगे? बाय होम हैड। ठीक है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, द गेट बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं यानी सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगला नंबर बनाते हैं, वाई है रवि, रवि बदला क्यों नहीं लाया था, वाई है रवि ना ब्रॉट द बैग, तो क्या बनेगा? पहले वाई लिखेंगे, फिर है द बैग, फिर इसके बाद नॉट, फिर इसके बाद बीन, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रॉट, फिर इसके बाद बाय, फिर इसके बाद रन। इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म हुआ यानी पास्ट टेंस पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे, और फ्यूचर में केवल दो होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा। धन्यवाद।